स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जिला चंबा द्वारा आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी चंबा के सभागार में राष्ट्रीय रैबिज कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत स्वास्थ्य अधिकारियों, स्टाफ नर्सों एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कपिल शर्मा ने की। इस प्रशिक्षण में जिला चंबा के सभी स्वास्थ्य खंडों के लगभग 21 स्वास्थ्य अधिकारियों, स्टाफ नर्सों एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। आज 16/12/2022 को हमारे सीमो कॉन्फ्रेंस हॉल में हमने एक रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंडर एक वर्कशॉप रखी है, जिसमें हमारे ज़िले के जो डॉक्टर्स, स्टाफ नर्सिस और वर्कर्स को बुलाया गया है। और इस वर्कशॉप में जो है, जो रेबीज है वो कैसी होती है और उससे बचने के क्या उपाय हैं, उसके बारे में जो है इनको बताया गया है। और जैसे ही अगर कोई पागल कुत्ता या कोई रैबिट एनिमल जो है वो किसी को काट लेता है, तो इमीडिएटली उसको डॉक्टर के पास जाके दिखाना चाहिए और उसका जो प्रोफिलैक्सिस है, उसके जो इंजेक्शन है, वो वक्त पे लगवा लेने चाहिए। ये अपने आप जो है उसको, ये नहीं है कि वो घर में बैठे रहें और कुछ और करते रहें, इमीडिएटली वो जाके डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर जो है वो डिसाइड करेंगे कि वो उसको एंटी रेबीज जो इंजेक्शंस हैं वो लगने हैं नहीं है, क्योंकि जो ये बीमारी जो है, ये एक बार अगर डेवलप हो जाए तो इसका कोई इलाज नहीं है। तो इसलिए इसको रोकने के लिए जो है, आप जो है इसके जो इंजेक्शंस हैं इमीडिएटली लगवाएं। अगर किसी को भी कोई पागल कुत्ता या पागल या कोई वाइल्ड एनिमल जो है, चाहे कैट है, चाहे कोई और, जैसे हमारे जो है जैकल्स या जो बोलते हैं गिद्दड़ वगैरह, या कई बार काट लेते हैं या इस तरीके से, तो इमीडिएटली जो है वो अपने नज़दीक के डॉक्टर को उसको दिखाएं। और ये जो हमारा जो एंटी रेबीज वैक्सीन है, ये हमारी हर PSC लेवल के ऊपर उपलब्ध है।